जी, ये सूचना मिली है कि देव थाना अंतर्गत सागरपुर के पास एक ब्लास्ट की घटना हुई है, आईडी ब्लास्ट की। गया औरंगाबाद सीमा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी बम की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को टारगेट करते हुए बम को प्लांट किया था। आईडी बम ब्लास्ट के बाद गांव के एक चरवाहे की दर्दनाक मौत हो चुकी है। घटना औरंगाबाद गया सीमा पर स्थित सागरपुर जंगल का है, जहां आईडी ब्लास्ट की ये बड़ी घटना हुई है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाने पर लेते हुए इस आईडी बम को प्लांट किया था। आईडी ब्लास्ट हुआ सर, इसके बारे में जानकारी देंगे सर। जी, ये सूचना मिली है कि देव थाना अंतर्गत सागरपुर के पास एक ब्लास्ट की घटना हुई है, आईडी ब्लास्ट की, जिसमें कि कैल भुइया नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। हम लोग इस घटना का सत्यापन कर रहे हैं और अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। औरंगाबाद गया जिले की सीमा पर अति नक्सल प्रभावित लंगुराही पचरुखिया के दुर्गम जंगली इलाके में ये घटना हुई है। माओवादियों द्वारा प्लांटेड आईडी बम के विस्फोट कर जाने से एक चारवाहे की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक की पहचान गया जिले के छकरबंधा थाना की तारचुआ गांव निवासी कैल भुइया के रूप में की गई है। मृतक के परिजनों ने शव का दाह संस्कार कर दिया है। औरंगाबाद के पुलिस कप्तान कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि गया औरंगाबाद की सीमा पर सागपुर के पास ये बड़ी घटना घटी है। मृतक जंगल में मवेशी चढ़ा रहा था, वही जंगल में ही महुआ चुनने के दौरान नक्सलियों द्वारा प्लांटेड आईडी बम पर उसका पैर चला गया, जिसके ब्लास्ट करने से घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। सूत्रों की माने तो विस्फोट के बाद शव कई फीट ऊपर हवा में उड़ गया और उसके चिथड़े उड़ गए। घटना के बाद आसपास से जुटे सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दिए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया। एसपी ने बताया कि नक्सलियों द्वारा आईडी बम पुलिस और सुरक्षा बलों को टारगेट करके प्लांट किया गया था। उन्होंने स्वीकार किया था कि इलाके में और भी आईडी बम प्लांटेड हो सकते हैं। इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। मौके पर बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया है। पुलिस चप्पे चप्पे पर सर्च कर आईडी बमों की खोज में लगी है। औरंगाबाद से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।